वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग बिरयानी बनाएंगे, इसके लिए हम लोग चिकन ले लिए हैं, मिर्ची, कोथमीर एंड पुदीना, ताकि इसका मसाला लगा के इसका टेस्ट लगा दें। हम लोग हैदराबादी स्टाइल में हम लोग बिरयानी बनाएंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्याज को ले लेना है, 5-6 डल्ली प्याज लेना है। उसके बाद हमें उसे बारीक बारीक काट लेना है एंड फिर हमें तेल में डाल के उसे तलना है। जैसे कि हमने स्टार्ट कर दिया है प्याज को तलना, एक अच्छे से ब्राउन होने दीजिए इसे, डार्क ब्राउन, ठीक है, जब तक हम लोग मसाला पीस लेते हैं। आपको कोथमीर, मिर्ची 12-13 मिर्चियाँ लेना है एंड पुदीना, ओके, एक बंच काफ़ी होगा। अगर आपको अच्छा स्पाइसी अभी मसाला चाहिए तो मिर्चियाँ आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग जब तक मसाला पीस लेते हैं एंड फिर अप्लाई कर देंगे चिकन को। ध्यान रहे प्याज को अच्छे से आप मिलाते रहिए ताकि वो जले ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्याज को जलने नहीं देना है। आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिक्स करते रहना है। आप लोग मसाला बनाएंगे एंड जल जाएगी तो फिर हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से मिक्स करते करते ध्यान से देखना होगा, ठीक है। अब जार में आराम से मिर्ची डाल दिए, पहले मिर्ची को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, फिर कोथमीर, देन पुदीना, स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि पेस्ट भी हमारा अच्छी तरीके से बन जाए। मिर्ची पीसी जा चुकी है, अब हम लोग कोथमीर डालेंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, फिर हमें पुदीना ऐड करना होगा। हम लोग पुदीना ऐड करेंगे, देखिए हमारी प्याज अच्छी तरीके से हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली स्ट्रीम है ना, इसकी वजह से सब रहा है। अच्छे से हो जाना चाहिए, अच्छे से कर लिए। वही प्याज तली जा चुकी है, अब हम लोग निकाल लेंगे प्लेट में। प्लीज़ ध्यान रहे स्टील के प्लेट्स में निकालिए, प्लास्टिक में मत निकालिए। देखिए हमारी प्याज हो चुकी है, अब हम लोग इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। देना अब हम लोग चिकन को भगोने में डाल देंगे। देन हम लोग इसमें हम लोग जो मसाला पीसे वो मसाला ऐड कर देंगे। अब हम लोग मसाला ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसमें दही ऐड करेंगे। देन अच्छे से मिक्स कीजिए। देन हमें गरम मसाला भी ऐड करना है इसमें। अब हम लोग अदरक लहसुन ऐड करेंगे। देन मैंने ऊपर से गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब हम अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे एक और बार। मिक्सिंग स्प्लिट्स ए वाइडर रोल अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि आपके अच्छे से मसाला लग सके, ठीक है। अब हम लोग जो प्याज तल लिए थे वो प्याज गार्निश करनी होगी, ऊपर से डाल दीजिए अच्छे से, इसकी वजह से भी अच्छा सा टेस्ट आता। अब हम आपको मेन इंग्रेडिएंट डालना है जो है नमक। मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1/2 नमक डाल रही हूँ। हम लोग ना 1 किलो की बिरयानी बनाएंगे, इससे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, हम लोग कितनी अच्छी तरीके से चलाया दी। अब हमें इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना चाहिए। चिकन को अच्छी तरीके से ढक्कन ढाँप कर छोड़ दीजिए ताकि चिकन को अच्छे से मसाला कैच कर ले, ऑब्जर्व कर ले, ठीक है। 1 घंटे बाद हम लोग आकर फिर से देखेंगे चिकन को। मसाले में थोड़ा सा नींबू
नींबू ऐड करना है, ठीक है। देन मिक्स इट अगेन। आफ्टर 1 आवर हम आके देखेंगे चिकन हमारा रेडी हो जाएगा, जब तक ठीक है। मैंने इसमें चावल ले लिया है 2 प्याज के डब्बे, और इसे अच्छे 3 मरतबा धो लेना चाहिए। हमने खाने को चढ़ा दिया है, अब जब ये कन्नी पे आ जाएगा हमें निकाल लेना है खाना। देन वी हैव टू सर्व दिस डिश इनटू द चिकन में डाल देना है फिर ये खाना। देख सकते हैं हमारा खाना हो रहा है, जो खाना हो जाए हमें इसमें डालना चाहिए। ध्यान रखें खाना ज़्यादा पकना चाहिए, क्योंकि जब स्टीम होगा चिकन के साथ वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब डालेंगे हम लोग का नींबू का जूस, थोड़ा थोड़ा सा डालिए आप लोग का। यूज करिए एंड देन मैं दूध में ज़्यादा मिक्स करके ये कर रही हूँ। एंड लास्ट बारी है, लास्ट बारी है पुदीने की, मिर्च का। एंड लास्ट जो हमने काट लिया था हमने सूप बना लिया। एंड लास्ट तेल डाली 2 डोई मैंने गरम कर लिया था पैन से, जैसे डाल दीजिए। एंड 15 मिनट्स के बाद आप लोग लो फ्लेम पे इसे हीट कीजिए एंड वो पक जाएगा इंशाल्लाह। हमारी बिरयानी रेडी है, विल सी आफ्टर 15 मिनट्स। तो देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है, अब आ रही है फाइनल लुक की। इट इज़ अवर फाइनल लुक ऑफ द बिरयानी। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।